खजाना कहीं लुट ना जाए, सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर ना आएगा दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 15 दिसंबर 2007। समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्ट मोह एवर रेडी बनो। सबसे पहले इसमें कर्मों की गुह्य गति के लिए जो बाबा ने बोला, उसमें एक मनोहर इंदिरा दादी की क्लास में सुना था, जिसमें वो बाबा के साथ अपने एक्सपीरियंस बताते, तो उसमें वो बता रही थी कि मम्मा जब शुरू में सब यज्ञ वहां पे चलता था ओम निवास में, और सभा के सेवा करती थी मम्मा ही आती थी, ओपन करती थी, सेवा करती थी, और इतना खाना पीने बनता था, और ये सब दादी लोग छोटे छोटे लोग थे, तो उन्होंने ध्यान दिया कि मम्मा इतना काम करती है लेकिन कभी भी वहां पर भोजन नहीं लेती है, जो भी बन रहा है वो सबको खिलाती है होती है, उसके बाद खुद चली जाती है। तो जब उन्होंने ध्यान दिया, मतलब पूछा मम्मा से कि ऐसे क्यों, उस समय मम्मा तो नहीं कहते थे, लेकिन कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला
कि मतलब इतने मतलब विद इन फर्स्ट ईयर की बात है कि उन्होंने बोला कि जब हम कहीं पर भी खाते हैं तो कर्मों का हिसाब किताब जुड़ता है, इसके लिए नहीं खाते हैं वो। फिर जब बाबा को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि क्योंकि आप सेवा करते हो इसके लिए आप ले सकते हो, आपका हिसाब किताब नहीं बनेगा। उसके बाद से उन्होंने खाना शुरू किया। तो इतनी ऊंची धारणा है कि कर्मों का हिसाब किताब कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके लिए हमें कितना अटेंशन रखना है। तो बाबा ने आज तो बहुत सारी इसके लिए भी बात बताई, और बाकी तो समय का बाबा ने कितना ज्यादा, आज ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे खजाने हैं लेकिन आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल की प्रारंभ बना सकते हो। तो पढ़ा तो बहुत बार खत किया लेकिन फिर भी इतना कि अगर हम लोग को इतना समय मिल रहा है कि हम बैठकर मुरली चिंतन भी कर पा रहे हैं, तो ये भी बाबा की कितना हमारे लिए गिफ्ट है कि ये हम ट्रेजर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये तो कोई शेयर करेगा। हाँ जी, आज जो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण बताए हैं कि नष्ट मोह बनना है एक तो, और दूसरा है एवर रेडी। तो नष्ट मोह का तो बाबा हमेशा कहते ही है कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, यही लास्ट पेपर है। उसके लिए चेक करने को कहा है बाबा ने कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ है कि नहीं। और देह भान की निशानी ही है, बाबा कहते, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय। तो ये कितनी गुह्य बात है कि अगर व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय भी जा रहे, तो ये भी देह अभिमान है। तो देह का मोह अगर अभी से नष्ट नहीं होगा तो समय पर ये भी फेल कर देगा। तो और दूसरी बात जो कही बाबा ने कि एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी हो। तो ये भी चेकिंग करनी है हमें। तो इसके लिए जो दादी जी का उदाहरण दिया बाबा ने कि अचानक और एवर रेडी कैसे कैसे रहे दादी जी, तो हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहे, संपर्क में, स्वभाव में, सेवा में, संतुष्ट करने में और संतुष्ट रहने में भी इजी। तो ये चिंतन चला कि जैसे सरलता, ये कितना डीप इस पर चिंतन किया जाता है, जा सकता है कि सरलता कितना बड़ा गुण है। तो हर स्वभाव में से संपर्क संबंध में सहज रहना, ये तो हम कह सकते कि अल्टीमेट रिजल्ट है बहुत साल की तपस्या और मन की कंट्रोलिंग पावर की। ये एक रिजल्ट है सरलता। तो बाबा ने ये अगेन तीन खजानों को फिर से चेक करने को कहा। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध का खजाना है, फिर संतुष्ट रहना और संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और तीसरा बाबा ने कहा है कि सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करेंगे तो जिसकी सेवा करेंगे उनकी तरफ से जो दुआएं मिलेगी उसका स्टॉक। तो स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ, यह तीनों खाते जमा है। तो क्यों बार बार बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय के जो भी पेपर से, जो बाबा ने कहा है कि प्रकृति की हलचल हो सकती है, छोटे मोटे पेपर आएंगे जरूर, लेकिन उस समय सिर्फ हमारे पुरुषार्थ से हम पास नहीं हो सकते। तो ये स्टॉक जो जमा होगा पुण्य का और दुआओं का, ये हमें मदद करेंगे। तो उसके लिए बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं दादी जी का, अंतिम समय की दादी जी की स्टेज, जो पिछली मुरलियों में हमने देखा है कैसे बाबा ने एक्सप्लेन किया। जी, जी तो एक बाबा ने सेवा के लिए जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। तो ये जो मनसा सेवा के लिए बाबा इतना एम्फसाइज करते रहते हैं,
अंजलि मैम, आप शेयर करोगे कैसे आप मनसा सेवा करते हो? आई फील कि मनसा सेवा करना माना अपने मन की सेवा करना। आई डोंट फील कि मनसा सेवा में हम दूसरों की सेवा करते हैं। और इस पर एक बार गुलजार दादी ने भी बताया था कि जब हम अपने मन की सेवा करते हैं, अपने मन को मना लेते हैं और अपने मन को जैसा बाबा मेरे मन को देखना चाहता है वैसा हम रखते हैं, और जैसे मन मनाभव की एक स्टेज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा होती है हमारी स्थिति से। अभी तो जैसे बाबा बच्चों को ड्रिल कराते हैं, क्योंकि बाबा हमें वो अभ्यास इसलिए कराते हैं ताकि नेचुरल हो जाए। लेकिन एक बार दादी से किसी ने पूछा, गुलजार दादी से, कि दादी आप जब परमधाम में जाते हैं और आप बीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि अभी शांति की किरणें निकल रही हैं, जैसा बाबा ने कहा ना कि ज्ञान सूर्य के लिए, वो एक प्रैक्टिस, वो बिगनर्स के लिए ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए कहते हैं बाबा। पर दादी से पूछा, दादी आप क्या देते हैं, कभी शांति, कभी सुख, कभी पवित्रता, क्योंकि हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किसको क्या दे। आपको कैसे पता चलता है किसको कैसे देना है मनसा सेवा? तो दादी ने कहा, मैं कुछ नहीं सोचती। द मोमेंट आई कनेक्ट विद द सीड, बीज के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेरा मन बाबा के मन से जुड़ जाता है, और वो तभी होगा जब मैंने अपने मन की सेवा की है। तो हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, फिर ऑटोमेटिकली जिसे जो चाहिए वो बाबा देता है। मुझे अपने आप को यूजफुल बनाना है, निमित्त बनाना है कि बाबा मुझे यूज कर सके, और मुझे अवेलेबल होना है बाबा के लिए कि बाबा को जब जरूरत हो वो यूज कर सके। यही मनसा सेवा है। ओम शांति। दिलीप भाई, आप कैसे करते हैं? दिलीप भाई आप हैं जी, तो आगे शेयर कर सकते हैं, शेयर करना। इसमें आई थिंक बहुत सारी विधियां हैं। बाबा ने जो बहुत सारी लंबी लिस्ट बताई है, अलग अलग विधि अलग अलग टाइम पे हम यूज़ करते हैं, और यही तो बाबा का कमाल है कि बाबा ने हमें बहुत सारी विधियां बताई हैं। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें हो सकता है, पूज्य स्वरूप से या पूर्वज स्वरूप से सकाश तिरा। ये बहुत इजी भी है और इसकी बहुत डिमांड भी है, क्योंकि वर्तमान समय जो दुनिया में आत्माएं याद कर रही हैं वो पूज्य के रूप में ही अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को किसी भी मंदिर में स्थित करके पूज्य स्वरूप में उनको सकाश देते हैं तो बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। या पूर्वज समझेंगे तो वृक्ष का बाबा जो एग्ज़ाम्पल देते हैं उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। बाबा ने मास्टर ज्ञान सूर्य का एग्ज़ाम्पल दिया, वो भी कर सकते हैं। और जो अंजलि बहन ने बताया वो भी ठीक है। तो कमाल की बात तो यही है कि बहुत सारी विधियाँ हैं, कैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन खुद की स्थिति उसमें पहले अच्छी बन जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिक और बहुत सहज हो जाती है। बाबा ने आज कहा ना कि सेवा का भी जब प्लानिंग करते हो, सेवा की बातें करते हो, तो भी वो एक वायुमंडल बनता है, तो वो भी मनसा सेवा में हेल्प करता है। तो मतलब सेवा की गति भी बहुत गुहे है, जैसे कर्मों की गति गुहे है, ऐसे सेवा की, मनसा सेवा की गति भी बड़ी गहरी है। तो बाबा ये भी कहते हैं ना कि शुभ भावना, शुभकामना रखना, दुआएं देना, दुआएं लेना, तो ये बाबा कहते हैं कितना सहज है। नहीं आपको आता है आत्मा बन के ऊपर जाकर कंबाइन होना, सकात देना, तो बाबा कहते हैं सिंपली दुआएं दो और शुभ भावना, शुभकामना रखो, इतना तो अटेंशन रख सकते। और न किसी को दुख देना है न लेना है, तो सुख देना है और सुख ही लेना है, ये भी अटेंशन रखना, भी ये भी मनसा सेवा है। तो ऐसे छोटे छोटे जो बाबा ने स्लोगन्स दिए हैं, ये सब मनसा सेवा ऑटोमेटिक करते हैं।
और इस पर बाबा कहते हैं कि स्व सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, दुआएं देते रहेंगे और लेते रहेंगे, ये अटेंशन रखेंगे तो। जी राज बाबा ने ये भी बोला कि साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ सम्मान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। तो ये जो साधारण कर्म और साधारण समय और साधारण संकल्प, 24 घंटे हम श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प कैसे रखें कि हमारा उसमें भी प्रारब्ध कम रहा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी कर रहे हैं तो वो कैसे हम मेंटेन करें अपनी लाइफस्टाइल को। इसमें आज बाबा ने ये भी बोला है ना कि 1 सेकेंड का की वैल्यू 1 वर्ष के बराबर अभी संगम युग की हीरे तुल्य, तो अब नहीं तो कब नहीं। तो इस पे मेरा भी यही चल रहा था संकल्प कि अगर बहुत काल का अभ्यास ही बाबा कहते हैं, और अभी तो टाइम समय भी, समय के लिए बाबा बोल रहे हैं बहुत कम समय है, और संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, तो वो कैसे कि 1 दिन का भी समय उसमें 1 सेकेंड, अगर कर्म भी कर रहे हैं तो कैसे हो कि वो पूरा जमा हो, जमा का खाता बढ़े। तो एक तो एक आत्मिक दृष्टि रखने का, उससे मनसा सेवा भी होती है, तो ये हमेशा नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभार जैसे अगर कुछ मीटिंग चल रही है मैं और 10 लोग भी हैं, तो मैं चाहे शायद 1-2 मिनट के लिए वो होता है, उसके बाद तो वो चाहे आधे घंटे की 45 मिनट की मीटिंग, लेकिन हाँ 1-2 मिनट के लिए आत्मिक दृष्टि की, हाँ ये सब आत्माएं हैं और मैं पूर्वज हूँ, ऐसा संकल्प। और कोई, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल तो हम करते हैं, कभी कभी मिस होता है तो फिर उसको ठीक है कवर अप करने के लिए फिर से बाबा ने बोला है कि हाँ सोने के पहले कंप्लीट करो, और क्या कर सकते हैं। एक्चुअली भाई हाँ भी बताइए। जी, बहुत ही आसान है एक्चुअली, और इसका एक सिंपल वन लाइनर आंसर यही हो सकता है कि अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो हमारे हर एक संकल्प, हर एक शब्द, हर एक कर्म को ऊंचा होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और उपाय बचा ही नहीं। क्योंकि लक्ष्य अगर ऊंचा है तो फिर समय है ही नहीं। इवन लौकिक में भी किसी का लक्ष्य अगर ऊंचा हो जाता है ना, तो उनके पास वो अपना एक भी सेकंड व्यर्थ गवाते ही नहीं है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है। मान लीजिए कि लेट से किसी सेवा पे शिव जयंती का कोई फंक्शन है बड़ा, तो सारी की सारी आत्माएं 10 दिन तक, 20 दिन तक भी इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको एक एक सेकंड भी मुश्किल लगता है निकालना किसी भी बात के लिए। तो जैसे कि एक इवेंट हुआ, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो इस समय यही है ना कि विश्व को परिवर्तन करना, तो टाइम तो है ही नहीं। तो एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी प्रैक्टिकल, और बहुत हज़ारों आत्माएं ऐसा कर भी रही हैं कि अपना हर सेकंड हर समय सफल कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे करना है। साधारण कर्म मतलब क्या, जो हमारे डेली रूटीन के वर्क हैं, तो जैसे बाबा हर कल की मुरली में भी था और आज की मुरली में भी है कि कोई भी कार्य करो तो पहले बाबा को याद करो, बाबा को आह्वान करो, तो उसमें सफलता हुई ही पड़ी है। तो ऐसा करने से वो अलौकिक हो जाता है, मतलब फिर वो काउंट होगा कि मेरा साधारण नहीं है वो कर्म। किसी ने पूछा था ऐसे किसी से एक क्वेश्चन लौकिक में, किसी स्पिरिचुअल गुरु से, कि अगर हम हर कर्म में साक्षी दृष्टा भाव ले आए तो क्या वो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस काउंट होती है। तो फिर किसी और बंदे ने पर्सन पर्सन ने पूछा कि हमारी
हमारा कसाई खाना है, मीट शॉप है, तो क्या हम बकरे को काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होके करें तो क्या वो काउंट होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर आप साक्षी होने लगेंगे ना, तो सबसे पहले आपका वो कर्म ही बदल जाएगा, कि आपको वो कर्म करना भी है कि नहीं। तो उस कर्म में साक्षी भाव लेकर आना ही सिर्फ इतनी बात नहीं है, आप ये भी तो देख पाएंगे ना कि आपको कर्म कौन सा करना है। तो हम जो भी कर रहे हैं, अब वो हम बाय डिफ़ॉल्ट बाबा की परमिशन से या श्रीमद की अलाइनमेंट में ही कर रहे हैं, तो वो पहले से ही डिसाइडेड है कि वही फिल्टर होकर आया है कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है इस समय जो हो सकता है वही हम कर रहे हैं। तो उस समय बाबा से हम परमिशन नहीं ले रहे, बल्कि वो पहले से ही प्री अप्रूव्ड है, बाद में जस्ट उनको और शक्तियाँ लेने के लिए साथ में बुला सकते हैं स्पीड अप करने के लिए। साकार मुरली में भी था कि श्रीमद को एक्यूरेटली फॉलो करना है, और इसमें जो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बार बार पिछले 3-4 मुरली से लगातार आ रहा है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, तो और क्या प्रैक्टिकली हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं तीव्र पुरुषार्थ ठीक ही लाइन में आने के लिए? मतलब ये 2 निशानियां तो बाबा ने बता दी कि नष्ट मोह होंगे और एवर रेडी रहेंगे, बट ये बनना कैसे? हाँ जी, कोई भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सबका ये। बाबा ने बोला नए बच्चे हैं तो पीछे नहीं रह जाना, तो पीछे नहीं रहना है तो तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तीव्र पुरुषार्थ की? से एक हो गया कि हमारा साधारण कर्म नहीं हो, बाकी क्या? आई थिंक एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो बाबा ने कहा भी आज मुरली में, जमा का खाता। एक तीव्र पुरुषार्थी को अगर मैं एक बिजनेसमैन की तरह देखूं, तो वो एक फास्ट पेस पे आगे जाना चाहता है। अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, बट वो चाहता है मेरा बिजनेस टॉप पे चला जाए, आमदनी बहुत अच्छी हो, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए वो अपना समय इधर उधर से सब जगह से बचा कर अपने बिजनेस में लगाए। कहीं भी अगर उसका लॉस हो रहा है, वहां पे वो रिस्क कैलकुलेशन करेगा, और वो रिस्क नहीं लेगा जहां पे उसे पता है यहाँ लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। जहां भी प्रॉफिट हो रहा है, उसकी नजर हमेशा उस तरफ रहेगी। तो मुझे लगता है कि तीव्र पुरुषार्थी के लिए पर्सनली, जैसे बाबा ने ये चीज बताई है कि या तो स्वपुरुषार्थ, या बाबा ने कहा दुआओं का खाता या पुण्य का खाता। तो पुण्य का खाता और बाबा ने दुआओं के खाते के लिए बहुत सिंपल लाइन में कह तो दिया कि संतुष्टता, और जैसे बाबा ने कहा कि निस्वार्थ सेवा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेवा सिर्फ हम जब एक एज अ बीके सेवा करते हैं या हम करते हैं, वो ही पुण्य और दुआएं हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम है ऑफिस में, लेकिन फिर भी कोई मुझे मैसेज करके कुछ पूछता है और मैंने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की, ये सोच के कि ये आत्मा है, मुझे इसे हेल्प करना है, वो भी दुआओं का खाता जमा होता है। इन रिटर्न एक थैंक यू भी वो करते हैं, वो भी दुआओं में जमा होता है। यहाँ तो US में बहुत कॉमन है, आप किसी स्टोर में जाओ तो लोग आपके लिए गेट पकड़ के खड़े रहते हैं कि दे विल लेट यू गो इन और आउट। तो वो भी एक दुआओं का खाता जमा होता है ना, हमारे दिल से निकलता है थैंक यू, निस्वार्थ भाव से जो हम कर रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है कि सुबह से शाम तक मेरे हर कर्म में मुझे जमा करना है। आई थिंक दिस वर्ड, की वर्ड जो बाबा ने आज कहा है, जमा। अब जमा मनसा से भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है, दुआओं से, पुण्य से, संतुष्टता से, अशरीरीपन हो, चाहे कहा जैसे पूज्य पूर्वज, इट कैन बी एनीथिंग, बट माई गोल इज कि मुझे जमा करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है, ताकि मेरे बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट है वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, जो मैं देखना चाहती हूँ, वो जो मैं फिगर देखना चाहती हूँ अपने बैंक अकाउंट में, वो इतना पहुंच जाए। तो दैट इज द गोल।
सो दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच एक्चुअली. तो जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम ये भी हमेशा देखते हैं कि रिटर्न हमें हाईएस्ट कैसे मिलेगा और रिस्क कम से कम कहाँ पे है इन्वॉल्व है. कई जगह कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ लगता है कि रिटर्न अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत रिस्की है. ऐसे ही सेवा का भी है. तो हमें शुद्धतम तरीके से सेफेस्ट तरीके से क्या करना है वो हर एक अपने अपने हिसाब से सोच के करते हैं कि हमें क्या करना है. तो ये बहुत सही अप्रोच है. जैसे बोलिए. हाँ जी, नहीं बोलिए. जम्मा का जैसे है वैसे ही तीव्र पुरुषार्थी का ये लक्षण भी है कि लीकेज को भी चेक करना जरूरी होता है। जैसे कि बाबा ने कहा, साइड सीन को देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, नहीं तो फिर सूक्ष्म में अगर चेक करेंगे तो साइड सीन कौन कौन से होते हैं। कभी कभी फिर अच्छे साइड सीन का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, तो कोई बुरा साइड सीन आ जाए तो मे भी संकल्प और समय थोड़े ज्यादा इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो ये चेकिंग भी बहुत जरूरी है कि हमें अपनी डेडलाइन चेक करनी है, बना लेनी है कि कोई भी पेपर आएगा तो मुझे कितने समय में उससे निकलना है। तो इससे भी हम अगर लीकेज बचा रहे हैं तो वो भी जमा ही हो रहा है, चाहे संकल्प हो चाहे समय हो, ये भी जरूरी है। जी ये जो अपना पुण्य क्या है और पाप क्या है उसकी डेफिनेशन क्लियर होने भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे पुण्य मतलब कि जो चीज भी हम अपने आत्मिक अवस्था में कह रहे हैं कर रहे हैं अवेयरनेस में कर रहे हैं, दैट इज पुण्य, बाकी सारा कुछ पाप। एंड सेकेंडली, एक क्लास में सुना था दादी की कि अपने साथ ऑनेस्ट रहना ये भी पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो अगर हमें पुण्य जमा करना है तो और किसी के साथ ऑनेस्टी तो बाद में, पहले अपने साथ ऑनेस्टी कि हम जब अकेले में हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो बाकी आज की मुरली से अगर किसी और को 2 मिनट में शेयर करना है तो, वरना आज एक हम लोग नई चीज शुरू करेंगे कि अमृत वेले की जो बुक है वो रीड करना शुरू करेंगे फॉर 5 मिनट्स, सो दैट कि कल हमें क्या करना है वो हम एक ऑब्जेक्टिव लेके जाएं और मॉर्निंग में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इज तो इट ओके विद उसमें एवरीवन? सभी की परमिशन ले लेते हैं पहले कि आज से शुरू कर सकते हाँ हैं जी, हाँ या जी, कल से करना चाहते हैं या कोई और अच्छा आइडिया है तो क्या करना चाहिए. सभी इसमें बिल्कुल। शामिल हों बताएं जो शिखा बेन ने प्रपोजल दिया है. जी हाँ जी. तो कैसे करना चाहिए शेयर कर सकते हैं कुछ आइडियाज़. स्नेहा बेन का यस है. अंजलि बेन का यस. तो उसका क्या फॉर्मेट रहना चाहिए. डेली 5 मिनट्स रीडिंग देन उसका इम्प्लीमेंटेशन फिर उसका रिव्यू. आई थिंक अगर कोई भी पॉइंट हम अमृत वेले का ले रहे हैं और वो पॉइंट हम ग्रुप में पोस्ट कर दें कि आज हम ये पॉइंट लेने वाले हैं, तो सभी उस पे अपना चिंतन करके वो 5 मिनट्स में अगर कुछ शेयरिंग कर सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल रेदर देन जस्ट रीडिंग इट। क्योंकि हो सकता है काफी लोगों ने वो बुक पहले भी पढ़ा होगा, जैसे हमने पढ़ा है तो औरों ने भी पढ़ा ही होगा, तो दिस इज वॉट आई थिंक। और जी ये भी हो सकता है कि अभी जो डिस्कस किया, क्योंकि वो रहता है दिमाग में अमृत वेले में, एक ना एक पॉइंट तो रात को डिस्कस की हुई याद आती ही है, तो क्यों ना जो हम डिस्कस करते हैं अभी उस पर ही कुछ कोई ना कोई बाबा की पुरुषार्थ की पॉइंट लेकर उस पे अमृत वेला किया जाए। जैसे कि आज बाबा ने मनसा सेवा पर फोकस किया है, तो मनसा सेवा का एक क्या क्या करें, कैसे करें मनसा सेवा, इसकी प्लानिंग पहले से ही करके रखे अभी, ताकि अमृत वेले को फिर हम जैसे कि श्रीमत मिली रात को और हमने क्विकली किया सुबह, तो हमें भी एक अंदर से संतुष्टता मिलेगी कि हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी इसमें जस्ट एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं शुरू करने से पहले. हर एक दिन हम अमृत वेला अगर ऐसे करें कि शायद ये हमारा लास्ट अमृत वेला हो तो वो अनुभूति हम कैसे करने चाहेंगे.
किस तरह की क्वालिटी उस अमृत वेले की होनी चाहिए। और ऐसा तो कभी ना कभी होगा ही कि जो अमृत वेला हम करेंगे वो लास्ट होगा, क्योंकि हमें क्या पता किस दिन हमें जाना, अचानक तो होना ही है। तो क्यों ना हम हर दिन ऐसा करें, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो शिखा मैंने वो बुक शेयर करते हैं। हाँ जी, हाँ इसमें पेज नंबर 14 पे जाइए बस इधर। ये वाला हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट है, बाकी पहले लिखा है। तो आज इसका 1.1 और 1.2 पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जैसे अंजलि बहन ने बोला तो कल से इसको शेयर कर सकते हैं ग्रुप में कि जो भी पढ़ने वाले हैं। तो अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं, तो इसमें पहला पॉइंट है कि विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बनने का आधार, सहजयोगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है, अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वो आपके सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व ना देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो उदाहरण मूर्त बनना है या ब्राह्मण कुल की मर्यादा है पालन करनी है, इसके लिए हम क्या इसमें एक बात ये हो सकती है करें? कि जैसे कोई भी हमें जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, वो अपनी तरफ बार बार खींचता है। कोई भी प्राप्ति का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए किसी को अगर इस चर्निंग के प्रोसेस में मज़ा आता है, तो दे वुड वेट के कब 9 बजे और हम डिस्कशन करें, ज्ञान मनन चिंतन करें। ऐसे ही बाबा से मिलन की अनुभूति जो होती है वो खींचती है अपनी तरफ, कि कैसे वो समय आए अमृत वेले का और हम वो प्राप्तियों को अनुभव करें, अपनी झोली को भर लें। तो और भी कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक उदाहरण मूर्त के लिए हम अपनी जैसे एक मुझे रतन मोहिनी दादी का एक एग्जाम्पल याद आता है, और मम्मा का, कि जैसे मम्मा की एक धारणा थी, एक नियम मर्यादा जो बाबा कह रहे, कैसे वो उदाहरण मूर्त एक एग्जाम्पल बन गए हमारे सामने। मम्मा रात को 2 बजे उठकर अमृत वेला करते थे, नो मैटर वॉट, चाहे वो 12 बजे भी सोए चाहे 11 बजे भी। सो शी एक्चुअली लाइक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए। ऐसे ही मैंने रतन मोहिनी दादी का सुना था कि इतना एज होने पे भी दादी एक बार ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, और दादी से किसी ने कहा कि दादी अभी इतना लेट हो गया है तो आप क्या अमृत वेला अभी उठेंगे, आप सो जाइएगा, कोई बात नहीं आपको बाद में उठा देंगे। फिर भी दादी सुबह में उठ गए। एंड द सेम एग्जाम्पल वी हैव सीन लाइक ब्रह्मा बाबा, और कैसे ब्रह्मा बाबा को भी इतना लास्ट मोमेंट पे सब कहते थे बाबा आप रेस्ट कीजिए, या बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मर्यादा को जैसे बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा कि कुछ भी हो हमें पालन करना ही करना है, क्योंकि हमारे भक्त भी वो आज तक वो नियम पालन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अस। तो वो ऑटोमेटिकली एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं अपने लिए या ब्राह्मण परिवार के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हम उदाहरण मूर्त बन रहे हैं इस समय। तो दूसरा पॉइंट लें अभी आज। आई थिंक पॉइंट तो यही काफ़ी है। कोई इसमें कोई शेयर करना चाहते हैं तो, वैसे टाइम हो गया। चंद्रिका बहन की एक बात याद आती है, वो बहुत अच्छी बात है। वो कहती हैं कि इतनी सारी बातें बाबा से करनी है कि टाइम कम पड़ जाता है, और डायरी पहन लेके बैठो, बाबा क्या कह दे पता नहीं, क्या टचिंग करा दे, और इतनी सारी बातें बाबा के साथ बैठ के पूरा दिन प्लान करना होता है, तो वो 1-2 घंटा भी कम पड़ता है। तो ये हमें ना बहुत एक डीप इंटरेस्ट बाबा से बात करने का, बाबा के साथ बहुत कुछ करने का है, तो फिर वो मज़ा आता है उसमें।
और इसमें बाबा ये भी कहते हैं ना कि ये पर्सनल टाइम है जो मैं अपने सिर्फ बच्चों के लिए तब अवेलेबल रहता हूँ। तो ये ही कितनी बड़ी बात है कि स्वयं भगवान मुझसे मिलने के लिए टाइम दे रहा है और मैं सोई पड़ी रहूँ। तो ये तो एक डिसरिगार्ड हो जाएगा। ये भी ये फीलिंग अगर रहेगी तो ऑटोमेटिक हमें अमृत वेले का महत्व समझ में आ जाएगा, जो कि सारे कल्प में अभी ही हमारे लिए अवेलेबल है, जैसे कि समय का महत्व बाबा ने बोला। जी एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वी हैव टू डू अमृत वेला और वी वांट टू डू अमृत वेला। सो हैव टू वांट टू में बदल जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ, इसमें एक और बात है, जैसे हाँ जी जैसे अब बहुत सारे लाइफ कोचेस, पर्सनल लाइफ कोचेस, और अभी क्या वो लोग एम्फसाइज करते हैं 5 o'clock। रॉबिन शर्मा की भी एक बुक है कि 5 AM राइजर्स का मतलब, तो सभी 5 AM अभी बहुत सारे जो सक्सेसफुल हैं उनके लिए, उनको लेके उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए जिसमें वो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो उनको वो बोलते हैं 5 AM ब्रह्म मुहूर्त। तो इसके लिए बाबा भी जैसे कहते हैं कि हाँ, आप तो पूज्य आत्माएं हो, और आप ही अगर सोते रहोगे तो फिर जब पर्दा खुलेगा, तो आप अगर जैसे मंदिर खुलते हैं, तो अगर आपने अपनी जमा नहीं किया, बाबा से खजानों को नहीं भरा खुद में, तो कैसे उनको, उन आत्माओं को दोगे। तो ये भी एक है कि हाँ, हमें भी लेना है ताकि हम दे सकें, जी, तो वो ठीक अमृत वेला जरूरी है। है, आज हमारा टाइम हो गया, ओम शांति। पान पिंजरे से निकल चल दे।